In this part of uh, Reaching to the Top, we'll read about Maria Sharpova. There is something disarming about Maria Sharpova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. smile glamorous and Everything, her clothes and everything. And that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005. टू दर्ल्ड नंबर वन पोजिशन इन वुमेन्स टेनिस सो वु प्लेयर्स के लिस्ट में वो फर्स्ट वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आई थी ऑन ट्वेंटी नो टाइम उसको अपने करियर में सक्सेस बहुत जल्दी मिला पॉइस बिहाइंड साइबेरियन बॉर्ड टीनेजर टुक जस्ट फोर ईयर्स एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल पिनकल मतलब मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट तो उसको करियर स्टार्ट करने से एकदम फेमस होने में इनफैक्ट अपने करियर के सबसे टॉप में पहुंचने में चार साल का टाइम लगा हाउ एवर द रैपिड एसेंट इन अ फ्यूर्सली कंपेटिटिव वर्ल्ड बिगेन नाइन ईयर्स बिफोर विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रेन वुड बी प्रिपेर टू एंड्योर सो सिर्फ ये चार साल में इस तरह से नहीं हुआ नौ साल से वो ट्रेनिंग कर रही थी जब वो सिर्फ दस साल की थी तब वो फर्स्ट टाइम अपने पापा के साथ हर फादर्स नेम वॉज़ यूरी वो उसके साथ यूएस के लिए घर से निकली थी अपना टेंथ बर्थडे भी वो नहीं सेलिब्रेट की थी बिकॉज शी वॉज इन अ ट्रेन और उसकी मम्मी उसके साथ नहीं जा पाई थी बिकॉज ऑफ वीज़ा प्रॉब्लम्स सो जस्ट इमेजिन दैट अ टेन ईयर ओल्ड गर्ल इज़ अलोन विथ अ फादर ओनली सो ऑब्वियसली वो अपनी मम्मी को बहुत मिस करती थी और उसके पापा काम इतना ज्यादा करते थे ताकि उसका ट्रेनिंग लैसेंस के लिए रुपया जमा कर पाए कि उनके पास भी टाइम नहीं होता था मारिया शर्पोवा के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करने का सो शी शी गॉट वेरी लोनली ड्यूरिंग दोज डेज सी इट इज रिटर्न आई यूज टू बी सो लोनली मारिया शर्पोवा रिकॉल्स आई मिस्ड माई मदर टेरिबली माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ई कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग सो ही कुडेंट सी मी आईदर और ये इतनी छोटी सी थी तो ऑब्वियसली ये जहां जहां ट्रेनिंग कर रही थी वहां ये जल्दी सो जाती थी रात को आठ बजे तक और बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो लोग ग्यारह बजे तक आते थे क्योंकि देवर एडल्ट और वो लोग इसको उठाकर बोलते थे रूम साफ़ करो सो दिस वॉज लाइक रैगिंग ओनली कोई सो गया उसको उठाकर रूम साफ़ कराया जा रहा है बट इससे वो डिप्रेस नहीं होती थी ये मेंटली और टफ़ होते गई कि नहीं हमको सब कुछ करना है सेक्रीफाइस बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट टेनिस प्लेयर तो ये रैगिंग से ही और मेंटली टफ होते गई ये आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ आई आई नेवर था ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड शी वॉज वेरी डिटर्माइंड फ्रॉम द बिगिनिंग इसको पता था कि मतलब तो शी हैड सेट हर माइंड कि कुछ भी हो जाए हमको टेनिस प्लेयर बनना है और इन सब चीजों से बल्कि और ज्यादा इसका हंगर और ज्यादा बढ़ गया एंड शी गॉट मोर डिटर्माइंड ये रेडी थी कि इससे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलियन और इंसल्ट हम सहने को तैयार हैं बिकॉज शी केम फ्रॉम नथिंग उसके पास कोई फेम नहीं था कुछ नहीं था तो शी वॉज लाइक आई हैव टू अर्न एवरी थिंग एट एनी कॉस्ट और यही टफनेस मारिया शरपोवा में आज भी है और इसी टफनेस के कारण वो विमेन्स सिंगल क्राउन एट विम्बलेडॉन मतलब तो विमेन्स सिंगल में वो ट्रॉफी जीती थी जो विम्बलेडॉन में था और उसी के एक साल बाद वो फर्स्ट पोजीशन में आ गई विमेन्स टेनिस प्लेयर की लिस्ट में While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngest youngster herself, there appears to be no room for sentiment. उसके इस सक्सेस से बहुत लोग इंस्पायर हुए लेकिन वो खुद इतनी सेंटिमेंटल नहीं है कि इमोशनल हो जाए या कुछ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देती है और उसका थिंकिंग बहुत क्लियर कट है एकदम वो बोलती है जो भी सैक्रीफाइस हम किए हैं वो वर्थ है हम बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं और अपना काम ये मेरा जॉब है टेनिस खेलना और इसके लिए हम बहुत कड़ा मेहनत करते हैं यही मेरा सक्सेस मंत्र है दो मारिया शर्पोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंसड अमेरिकन एक्सेंट शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी यूएस में रहते रहते उसका एक्सेंट तो यूएस का हो गया लेकिन वो प्राउडली बोलती है डेट आई एम अ रशियन सिटीजन और अगर मौका मिले तो हम रशिया की तरफ से ओलंपिक्स में पार्ट लेंगे और वो बोलती भी है कि यूएस का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में लेकिन फिर भी मेरा सिटीजनशिप रशियन ही रहेगा लाइक एनी नंबर ऑफ टीन एज सेंशन मारिया शर्पोवा लिस्ट फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज जिस तरह से हर टीन का शौक होता है उसी तरह से इसका भी है ये सब आर्थर कॉन एंड डायल का डॉयल का नॉवल्स पढ़ना पसंद है इवनिंग गाउंस बहुत अच्छा लगता है इसको पहनना बट ये अजीब बात है क्योंकि उसको पैनकेक्स और चॉकलेट्स वो चॉकलेट स्प्रेड किया हुआ पैनकेक्स और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स पसंद है तो ये सब के साथ इवनिंग गाउन का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वियर्ड है मारिया शर्पोवा कैन नॉट बी पीजीएन होल्ड और कैटेगराइज पीजीएन होल्ड का मतलब ही होता है कैटेगराइज वी जस्ट कैन नॉट से दैट शी ओनली प्लेज टेनिस वेल वो बाकी चीज़ों में भी बहुत टैलेंटेड है और उसका एक सक्स जो उसके एक डिज़ायर है कि हमको सक्सीड करना है और सब कुछ उसके लिए हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं इसकी वजह से वो वर्ल्ड में बहुत जल्दी फेम गेन की है फ्यू वुड ग्रज फ्यू वुड ग्रज हर द शी इज नाउ रीपिंग और अब जो उसको पैसा मिल रहा है इससे बहुत कम लोगों को जलन होगा क्योंकि सबको पता है दैट शी हैज वेरी हार्ड और जब उससे बोला जाता है कि टेनिस से आपको रुपया मिलता है मॉनिटरी गेन्स तो उसके बारे में आपका क्या आप बोलना है तो शी सेज दैट से मनी इज अ मोटिवेशन कि हाँ ज्यादा रुपया कमाना सबको अच्छा लगता है और ये भी एक पार्ट है मेरे लाइफ का कि हमको और रुपया कमाना है तो हम और अच्छा टेनिस खेलेंगे टेनिस एक बिजनेस है और एक स्पोर्ट भी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको हर हालत पे नंबर वन पोजीशन पे रहना है दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग सो सी वो मॉनिटरी गेन्स को भी ये नहीं कर रही है डिनाई कि नहीं हम रुपया के लिए नहीं खेलते वो क्लियरली बोल रही है कि हाँ हम रुपया के लिए भी खेलते हैं सो शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी दैट शी हैज़ एंड शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ अर नेचर और एनी यही उसका उसके बारे में है मारिया शरपुआ